स्वागत है आप सभी का उदय सिंह आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फिटर ट्रेड थ्योरी के जो भी नीमी क्वेश्चन है हम उसको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करा रहे हैं। तो जो भी फिटर ट्रेड के जो लड़के हैं उनको लिए ये बहुत ही अच्छा हम डिस्कशन करा रहे हैं नीमी का। तो आप लोग इसको पूरे अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छा से अच्छा डिस्कशन और क्वेश्चन को और अच्छा समझ पाएँ। और जो भी अगर टेक्निकल फिटर का तैयारी कर रहे हैं जैसे इसरो डीआरडीओ बार का, तो उसके लिए भी इस डिस्कशन से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो को आप लोग देखिए, अंत तक देखिए। कोई भी चीज़ अगर देख रहे हैं चाहे पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करिए कि शुरू से अंत तक पढ़िए। थोड़ा पढ़ के छोड़ देने से कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोग पूरा देखने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग 150 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, आज हम 151 से 200 क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे। चलिए अभी हम फिटर ट्रेड के जो नीमी क्वेश्चन बैंक है उसको हम करा रहे हैं। तो इसमें 150 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 151 क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि अच्छा से क्या कर सके, इस डिस्कशन को समझ सके और जान सके। तो इसमें का पहला क्वेश्चन है कि सीजल की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। अब समझते हैं क्राउनिंग क्या होता है, ठीक है। सीजल तो सब कोई देखा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छेनी बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर क्राउनिंग का मतलब होता है जो धार होता है, ठीक है। जो धार होगा उसके धार को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, थोड़ा टेपर या उसको वेबल कर दिया जाता है। तो वो जो किया हुआ चीज़ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्राउनिंग करते हैं, क्राउनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है कि सीजल के फिसलन को रोकता है, कोने के खुदाई से रोकता है, उसके बाद दिया है तीसरा कि छीजल के सीधे रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति देता है, और डी दिया है यानी चौथा कि कटिंग एज के कार्य को घुसने देता है। देखिए क्राउनिंग करने का जो उद्देश्य है आपका वो है कि क्या करेगा, कोने के खुदाई से क्या करता है, रोकता है। जब हम छीजल से क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को कटिंग करेंगे, तो क्राउनिंग वाला भाग जो होगा उससे क्या होता है कि पतला होता है, पतला होगा तो जो बाहर के भाग होता है, जो उसके बगल का भाग होता है, उसको क्या करता है, डिगिंग करने से माने खोदने से क्या करता है, रोकता है। तो क्राउनिंग का यही उद्देश्य होता है कि जो प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर माने कोने की खुदाई से रोकना होता है, ठीक है। इसलिए छीजल को क्या किया जाता है, क्राउनिंग किया जाता है उसके धार पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल की वर्क सरफेस से रगड़ने की कैसे रुके। जब हम चीजल से किसी भी जॉब पर कटिंग कर रहे हैं तो उसका जो चीजल है तो उसके मेटल में रगड़ने से कैसे रोकेंगे, बात समझ रहे हैं। जब कोई जॉब है, मानते हैं ये जॉब है, तो जब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजल के माध्यम से कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, स्लिप हो रहा है। तो स्लिप कैसे रोकेंगे, स्लिप होने से कैसे रोकेंगे, यही कर रहा है। मतलब सरफेस को रगड़ने से कैसे रोकेंगे, सरफेस को रगड़ना या स्लिप करना, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको कैसे रोकेंगे देखते हैं। ऑप्शन में लिप कोण को घटाकर, उसके बाद रेक कोण को बढ़ाकर, उसके बाद दिया है क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, और डी दिया है हमारा टूल वेज को घटाकर। अब देखते हैं कि क्लियरेंस एंगल क्या होता है, रेक एंगल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि देखते हैं कि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री पर जॉब बना हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क सरफेस हो गया। जैसे कोई भी जॉब है वो क्या है, उस पर हम वर्क करते हैं, उसका ये क्या हो गया, सरफेस हो गया, उसका सतह हो गया। तो सतह हो गया तो मानते हैं कि ये क्या है, हमारा सीजल है। तो सीजल है तो इसमें क्या है, तो जो पॉइंट होता है, ठीक है, जिस पर हम कोई चीज़ काट रहे हैं, किसी जॉब को काट रहे हैं, तो काटते हैं तो उसका जो एंगल बनता है, जो कटिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको पॉइंट एंगल कहते हैं, ठीक है। पॉइंट एंगल के बाद और 90 डिग्री पर जो हम जॉब से सतह पर से बनाए रहते हैं उसके बीच में जो एंगल बचता है उसको हम लोग कहते हैं रेक एंगल, ठीक है। और जो पॉइंट एंगल होता है उसके बाद से जो सरफेस के बीच में जो एंगल बचता है उसको हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका पॉइंट एंगल होता है, जो एक्सिस होता है छीजल का, उससे और सरफेस पर माने जो वर्क सरफेस है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको इंक्लाइंस एंगल, जिसको छीजल का झुकाव कोण भी बोलते हैं। तो
यहाँ पर कर रहा है कि जब हम किसी जॉब से सीजल से ऑपरेशन करते हैं तो स्लिप कैसे होगा, इसका हम क्लियरेंस एंगल क्या कर देंगे, कम रहेगा तो क्या करेगा, स्लिप हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्लियरेंस एंगल, कहने का मतलब ये हमारा क्या है, क्लियरेंस एंगल है, तो क्लियरेंस एंगल से जब हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फिसलन रोकेगा कि नहीं, अगर कम करेंगे तो स्लिप कर जाएगा। तो इसको बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, आपका क्लियरेंस एंगल रगड़ेगा नहीं और उस पर मतलब रगड़ नहीं होगा और उस स्लिप नहीं करेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या सही था, तो क्या सही होगा, क्लियरेंस कोड को क्या करके बढ़ाकर, क्लियरेंस कोड को बढ़ाकर क्या रोक सकते हैं, सरफेस से रगड़ने से रोक सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धातु की वह प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक और इम्पैक्ट को क्या करता है, सहन करता है। ठीक है, धातुओं के में गुण होते हैं, जैसे कि रासायनिक गुण होते हैं और भौतिकी गुण होते हैं। रासायनिक गुण जैसे कि कोई कलर हो गया, रंग हो गया, उसका वेट हो गया, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके रासायनिक गुण होते हैं। और भौतिक गुण वो होता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ों को सहने या किसी चीज़ को टफनेस, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्प्रिंग जैसा उसका गुण हो गया या लमड़ने जैसा गुण हो गया, तो ये सब क्या है, भौतिकी गुण है। तो इसमें से पूछ रहे हैं आपको कि शॉक इम्पैक्ट को कौन गुण जो है धातु का जो सहन कर लेता है, कौन सा ऐसा गुण है धातु में जो क्या करता है, शॉक और इम्पैक्ट को क्या करता है, सहन करता है। तो देखते हैं इसमें से, टेनसिटी देखते हैं, उसके बाद बी दिया हार्डनेस और सी ब्रिटलनेस और डी हो जाएगा टफनेस। टफनेस गुण के कारण क्या होता है, किसी भी कोई भी धातु शॉक और इम्पैक्ट को क्या करता है, रोकता है, सहता है। तो टफनेस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इसमें हम ज़्यादा चीज़ डिटेल से नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट करा रहे हैं, इसको हम रिवीजन करा रहे हैं। इसके लिए क्या है कि अब जैसे धातु हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो रासायनिक गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, उसमें डिटेल से इस चीज़ को पढ़ना है। ये 10 दिन का चैप्टर है, पूरे पढ़ेंगे अच्छे से। तो ठीक है, तो अभी जो चीज़ डिस्कशन करने लायक है ज़्यादातर उसकी को हम बता पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से पार्ट्स मेजिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। कह रहा है कि जो बाहरी माइक्रोमीटर, जिसको क्या कहेंगे हम लोग इंग्लिश में आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये क्या है, हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो मेजरिंग फेस के जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है उसके कौन से भाग में फिट होता है, यही पूछ रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि इसके भागों के बारे में नाम, जैसे ये क्या है, हमारा फ्रेम है। फ्रेम पर ही क्या है, इसका लिस्ट काउंट और इसका रेंज लिखा रहता है। जैसे कि कोई भी माइक्रोमीटर होता है एक निश्चित रेंज में ही क्या करता है, आपको मेजरिंग करता है। जैसे कि 0 से 25 mm के माइक्रोमीटर रहेगा रेंज उसका, तो क्या करेगा, 0 mm से लेकर और 25 mm के माइक्रो मेजरिंग को क्या करेगा, वो मापेगा। ठीक है, और इसमें क्या रखा है, इसका लिस्ट काउंट लिखा रखता है। जो भी टूल माइक्रोमीटर रहेगा उसका लिस्ट काउंट क्या रहेगा, उसके किस पर लिखा रहेगा, उसके फ्रेम पर लिखा रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रोमीटर के किस भाग पर उसका रेंज लिखा रहता है, तो उसके फ्रेम पर, और उसका लिस्ट काउंट कहाँ लिखा रहता है, तो भी फ्रेम पर। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रेम है। ये क्या है, हमारा एनविल, ये स्पिंडल हो गया, ये हमारा लॉक नट है। ठीक है, इसको स्लीव या बैरल बोलते हैं, इसको थिम्बल बोलते हैं, और इसको रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप का काम क्या है कि समान दबाव दे, किसी भी जॉब को आप मापने जा रहे हैं तो उसका क्या करें, एक निश्चित क्या करें, प्रेशर दे। अगर बहुत सारे, अगर इसको हम प्रेशर अच्छे से नहीं देते या रेचेट स्टॉप नहीं रहता, तो अलग 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 जो भी वो कारीगर होंगे या काम करने वाले लोग होंगे, अगर मेजरिंग करेंगे तो सबका माप अलग अलग आएगा। इसलिए क्या है, समान प्रेशर देने के लिए क्या है, रेचेट स्टॉप इसमें लगाया रहता है कि कोई भी मापेगा तो क्या, उसका समान प्रेशर देगा और क्या करेगा कि निश्चित मेजरमेंट क्या होगा, सही आ पाएगा। तो इसके विभिन्न भाग है, यही पूछ रहा है। इसमें मेजरिंग फेस के जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है वो क्या होता है, एनविल होता है, इसी में ना फिट होता है। ठीक है, ये फिट है, ये इसमें हम किसी जॉब को रख कर क्या करते हैं, इसको मेजरिंग करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस माइक्रोमीटर का नाम बताना है, ये जो माइक्रोमीटर है इसका नाम बताना है। ठीक है, माइक्रोमीटर के अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो ये क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक कैसे पकड़ा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोग देखते हैं। ये क्या है, हमारा ड्रिल मशीन है। क्या है, ये ड्रिल मशीन है। तो ड्रिल मशीन में
क्या जब ड्रिल बीट को हम पकड़ते हैं तो किसके माध्यम से? ड्रिल चक से। तो ये कह रहा है कि ड्रिल चक को कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो ड्रिल चक को हम किससे पकड़ते हैं? आर्वर के माध्यम से पकड़ते हैं। किससे? आर्वर के माध्यम से पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रिल चक को किसे ऑप्शन में देखते हैं, आर्वर दिया है तो ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ड्रिल चक जो होता है कौन पकड़ता है? आर्वर पकड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ड्रिलिंग मशीन से स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ड्रिलिंग मशीन होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन से ड्रिलिंग मशीन है जिसके क्या कर रहा है, स्पिंडल के हेड को, ठीक है, स्पिंडल के हेड को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे और पीछे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कौन सा, ये कौन सा आपका ड्रिल मशीन है? तो रेडियल ड्रिल मशीन है। ये जो है आपका कौन सी ड्रिल मशीन है? रेडियल ड्रिल मशीन है, रेडियल ड्रिल मशीन, ठीक है। तो रेडियल ड्रिल मशीन में क्या करते हैं, इसके स्पिंडल को क्या करते हैं, आगे और पीछे करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया होगा रेडियल ड्रिल मशीन, सही हो जाएगा। सी आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, ठीक है। क्रेस्ट और रूट पहले जानते हैं कि क्या है, इसमें थ्रेड दिया है, स्क्रू थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? जब हम नॉट बोल्ट के माध्यम से, नॉट बोल्ट जो कसते हैं उसमें जो चूड़ी होती है, ठीक है, या गुना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में थ्रेड बोलते हैं। तो कौन से थ्रेड हो, थ्रेड है जिसको क्रेस्ट और रूट को क्या किया था, राउंड किया रहता है, ठीक है। क्रेस्ट और रूट को क्या किया रहता है, राउंड किया रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो आपका BSW होता है उसके जो होता है क्रेस्ट और रूट को क्या किया जाता है, राउंड किया रहता है। देख रहे हैं यहाँ पर भी राउंड है, ठीक है। तो दोनों जो राउंड है, क्रेस्ट और रूट, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका BSW हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? BSW थ्रेड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस टेप रिंच का नाम बताना है, ठीक है। इस टेप रिंच, सबसे पहले आप लोग बता दें कि टैप रिंच, टैप क्या होता है। टैप जब हम किसी ढोल किए रहते हैं उसमें थ्रेड काटना होता है तो टैप रिंच, टैप का प्रयोग करते हैं। और टैप जिसमें हम लोग लगा कर उसको घुमाते हैं उसको टैप रिंच बोलते हैं। जिससे इसमें क्या है, हम लोग टैप को लगा देंगे और इसको क्या करेंगे, चारों बगल घुमाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टैप रिंच। टैप रिंच भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सॉलिड टाइप टैप रिंच होता है, टी टाइप टेप रिंच होता है। तो ये कैसा है ये आपको बताना है, या बॉक्स टाइप होता है। तो इसमें हमारा जो आंसर सही होगा सॉलिड टाइप टेप रिंच हो जाएगा, तो बी आंसर सही हो जाएगा। तो टेप रिंच का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भी इंटरनल थ्रेड काटना होता है टेप के द्वारा, तब हम क्या करते हैं, इसमें टेप को लगा कर क्या करते हैं, इसको नचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, टेप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस टू इंटू डेप्थ, यही आंसर सही हो जाएगा। तो ए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। फॉर्मूला पूछ रहा है इसका, तो फार्मूला तो आपको याद करना होगा, इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं, समझना भी है नहीं, इसको क्या करेंगे, आंसर ये जो है सही आंसर है, ठीक है। टेप रिंच TDS, जैसे कि आप लोग बताए थे TDS भी निकालने के लिए, तो उसका क्या पूछ रहा है, मेजर डाया पूछ रहा है, मैंने टेप ड्रिल साइज का गणना करना है सूत्र है। तो क्या हो जाएगा आपका, मेजर डाया माइनस टू इंटू डेप्थ होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने के कारण क्या होता है, और आवाज करने का कारण बनती है, ठीक है। कौन सी गतिविधि जो है आपको, किसको, ड्रिल के गति करने की क्या करती है, ड्रिल बीट की गति करने के लिए आवाज करती है और घिसती भी है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में, बहुत तेज फीड देंगे तब, या बहुत धीमी गति फीड दे देंगे तब, या अत्यधिक काटने की गति होगी तब, या बहुत धीमी स्पिंडल होगा तब। इसमें जो आंसर सही होगा हमारा, क्या करेंगे, जब हम बहुत धीमी से गति फीड दर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो ड्रिल बीट होगा अत्यधिक क्या हो जाएगा, घिसेगा और आवाज़ भी करेगा। फीड के मतलब क्या है, जब स्पिंडल से हम ड्रिल को दबाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, फीड हो जाता है। तो फीड जब हम क्या करेंगे, फीड की जो धीमी गति कर देंगे, कम देंगे, तो क्या करेगा, जब वो तो होल कर देगा, लेकिन हम जब उसका फीड बढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेगा, घिसेगा और आवाज करेगा। तो आंसर जो सही बता रही है आपका, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर का रीडिंग बताना है। अब देखिए, जैसे कि आपको हम एमएम में क्या बता चुके हैं, वर्नियर कैलिपर का आपको रीडिंग बता चुके हैं। अब हम देखेंगे ब्रिटिश में बताएंगे, ठीक है। ब्रिटिश पद्धति में, ब्रिटिश पद्धति का मतलब ही होता है इंच में किसी भी चीज़ को मापना या उसको मेजरमेंट करना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसको इस जो माइक आपका जो बर्नियर कैलिपर है ये किस में है, आपका ब्रिटिश पद्धति में है, ठीक है। ब्रिटिश पद्धति में कैसे कि जहाँ पर एक इंच हो गया, यहाँ दो इंच हो गया, तीन इंच हो गया, चार इंच हो गया, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि इसका रीडिंग क्या है, ठीक है। तो रीडिंग देखने के लिए सबसे पहले जानते हैं इसका जो लिस्ट काउंट होता है। तो MSD, इसका MSD मतलब क्या है, मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, एक इंच होता है। कितना होता है, एक इंच होता है। इसमें सब डिवीजन वन होता है, सब डिवीजन वन का मान कितना होता है, 0.100 होता है। सब डिवीजन टू होता है, उसका मान कितना होता है, 0.025 होता है, ठीक है। और VSD माने वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 0.001 होता है, 0.001 होता है। इसका मतलब जो लिस्ट काउंट होगा जिस वर्नियर का, उसका क्या हो जाता है, वही वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाता है। अब इसको हम मेजरमेंट करते हैं, इसका रीडिंग लेने के लिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो है यहाँ पर एक रहेगा, ठीक है। पूरे जगह नहीं होने कारण इसमें फिगर में नहीं दिखाया गया है। ये क्या है, आपका एक लिखा हुआ है। तो एक लिखा है तो मेन स्केल डिवीजन कितना है, एक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका मान जैसे कि बताया है कितना है, एक इंच है। तो एक मेन स्केल डिवीजन है तो एक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक इंच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें सब डिवीजन वन होता है। अब देखते हैं पहले कि मेन स्केल डिवीजन क्या है और सब डिवीजन वन और सब डिवीजन टू क्या होता है, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन आपका क्या है, ये वन लिख रहा है, ये टू लिख रहा है, ये थ्री लिख रहा है, ये क्या है हमारा मेन स्केल डिवीजन है। और इसमें सब डिवीजन होते हैं, सब डिवीजन कितने हैं आपको, एक से लेकर दस तक। जैसे यह एक से लेकर यहाँ से और यहाँ के देखिए दस संख्याएँ हैं, ठीक है। तो इसको कितने भागों में बांटा, एक इंच को दस भागों में बांटा गया है, इसलिए इसका मान हो जाता है एक इंच बराबर इसका सब डिवीजन वन का मान हो जाता है आपका 0.100 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सब डिवीजन वन है। यहाँ से बीच में जो बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, कितने भागों में, 10 भागों में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सब डिवीजन वन है। अब सब डिवीजन टू देखते हैं, सब डिवीजन टू देखते हैं, एक से और दो के बीच में क्या है, इसके चार भागों में बांटा गया है। इसमें फिगर में नहीं दिया है, लेकिन जब आप माइक्रो क्या बोलते हैं आपको बर्नियर के लीपर देखिएगा, ब्रिटिश वाला, उसमें चार भागों में बटा रहता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर चार भागों में बटा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम जैसे कि बताए कि एक लाइन का मान जीरो, सब डिवीजन वन का मान 0.0 कितना होता है, 0.100 होता है। इसमें अगर एक भाग को आपको चार भागों में इसको बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब सब डिवीजन टू को बांटेंगे, इसको हम चार भागों में बांटते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही है सब डिवीजन वन और सब डिवीजन टू। अब देखते हैं बर्नियर के लिए, बर्नियर डिवीजन, ये जो है हमारा क्या है, बर्नियर डिवीजन है। ये क्या है हमारा, बर्नियर डिवीजन है। तो बर्नियर डिवीजन जिसका लिस्ट काउंट होता है वही क्या होता है, उसका बर्नियर डिवीजन का मान हो जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश पद्धति में बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 इंच होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, कैसे रीडिंग निकालते हैं, इसको देखिए। जैसे कि दिखाया कि आपको एक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मेन स्केल डिवीजन का मान कितना है, एक इंच है। तो एक से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक इंच हो जाएगा। अब देखिए सब डिवीजन का मान देखते हैं, यहाँ पर सब डिवीजन का मान दिया है जीरो, जहाँ रहेगा जीरो वो क्या हो जाएगा आपका सब डिवीजन का मान, तो चार पर है। और इसका एक सब डिवीजन वन का मान कितना होता है आपका, जैसे कि बताएं कितना होता है, 0.100 होता है। सब डिवीजन वन का मान कितना होता है, 0.100 होता है। मेन स्केल डिवीजन का मान होता है एक इंच, ठीक है। और सब डिवीजन टू का मान होता है 0.025, ठीक है। VSD माने बर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 0.001 होता है, ठीक है। अब देखिए सबका मान रखते जाएंगे और निकालते जाएंगे, चार पर है तो चार से क्या करेंगे, उसका मान रखेंगे। और सब डिवीजन वन का मान कितना है, जितना रहेगा उससे गुणा करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है, 0.400 आ जाएगा। अब सब डिवीजन टू देखते हैं, सब डिवीजन टू का मान कितना होता है आपको बताए हैं, 0.025 होता है। अब इसका देखेंगे कहाँ पर है, एक लाइन और दूसरे लाइन पर है, दूसरे लाइन पर है तो दो से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका 0.025 आ जाएगा, 0.050 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए VSDNA मेन बर्नियर स्केल डिवीजन में देखते हैं, बर्नियर स्केल डिवीजन का मान 0.001 होता है। अब देखिए यहाँ पर एरो मारा हुआ है किस पर, 9 पर, तो 9 से क्या करेंगे इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना 0.001 है। अब सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1.459 आएगा। अब ऑप्शन में देख रहे हैं सही आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ऑप्शन बी, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रिटिश पद्धति में जब बर्नियर कैलिपर के हम क्या करना होगा, रीडिंग चेक करना होगा, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, एमएम में तो हर सब किसी को बार बार बता चुके हैं, कितने बार बताए हैं, एमएम में क्या है माइक्रोमीटर का रीडिंग और बर्नियर कैलिपर का रीडिंग और बर्नियर प्रोटेक्टर का भी रीडिंग आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश पद्धति में बर्नियर कैलिपर का जगह रीडिंग निकालना होगा तो इस तरीके से जो बताए हैं उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग वीडियो के देखिए, ठीक है, हम अच्छे से कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझा पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉम्बिनेशन सेट में किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण को चिन्हित करने और जांचने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसरो और DRDO में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि कॉम्बिनेशन सेट से ही समझते हैं कि बहुत सारे टूल्सों को क्या करना है, कॉम्बिनेशन किया हुआ है, नाम से ही आपको अंतर पड़ रहा है। फिगर भी आप लोग दिखा रहे हैं कि जो चीज़ है बार बार कहीं पर भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको फिगर भी बढ़ जाए कि टूल्स ऐसा है। ठीक है, देखिए फीटर ट्रेड है, टूल्स ही जानना है, टूल्स के बारे में जानना है। देखिए तीन चीज़ जानना होता है फीटर में, जिस टूल्स का प्रयोग, जो टूल है उसका टूल्स का नाम क्या है और उसका प्रयोग क्या है और किस धातु का बना है और उसके जो विभिन्न भाग होते हैं वो जानना है, बस फीटर आपका जो भी टॉपिक है या सिलेबस है आपका क्लियर हो जाएगा और कोई भी एग्जाम में अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन से ही आपको मालूम चल रहा है क्या है, कॉम्बिनेशन है टूल्सों का। तो इसमें तीन टूल्स लगे रहते हैं, कौन कौन से लगे रहते हैं, एक आपका प्रोटेक्टर हेड लगा रहता है, एक सेंटर हेड लगा रहता है और स्क्वायर हेड लगा रहता है। स्क्वायर हेड से के माध्यम से ही हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, 90 डिग्री और 45 चेक करते हैं। ठीक है, और उसमें स्क्राइबल लगा रहता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पर मार्किंग करना होता कर सकते हैं। उसके बाद उसमें स्प्रिट लेवल लगा रहता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेवल चेक कर सकते हैं। और प्रोटेक्टर तो यही हमारा क्या है आपका स्क्वायर हेड है, ये क्या है स्क्वायर हेड है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं 90 चेक करेंगे, क्या कर चेक करेंगे 90 चेक करेंगे। ठीक है, और इसे क्या चेक करेंगे 45 माने 45 डिग्री चेक करेंगे। तो यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 और क्या है 45 को कोण चिन्हित करने या जांचने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे, स्क्वायर हेड का। तो आंसर देखते हैं इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन सेट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट तो पूरा है, ये हमारा क्या है प्रोटेक्टर हेड है। प्रोटेक्टर हेड से क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के एंगल को क्या करते हैं चेक करते हैं। ठीक है, और ये क्या हमारा है सेंटर हेड है। सेंटर हेड से किसी भी गोलाकार जब का सेंटर निकालना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन सेट के बारे में आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंगल प्लेट्स में रिब्स क्यों लगाए जाते हैं, क्यों प्रदान किए जाते हैं। अब पहले जानते हैं एंगल प्लेट होता क्या है। एंगल प्लेट एक प्रकार का सपोर्टिंग टूल्स है। ठीक है, सपोर्टिंग के मतलब क्या है, जब हम किसी भी जॉब पर मार्किंग करने जाएंगे तो इसको क्या करेंगे, जैसे कोई आप मेटल लिए हैं, अब मेटल लिए हैं तो उसके लिए तो आप कहीं पर रख नहीं सकते हैं ना और मार्किंग कर सकते हैं नहीं ना, इसके लिए क्या करेंगे हम कहीं पर सपोर्ट करेंगे। कहने के मतलब है मान लीजिए हम एक वर्क पीस लिए, ठीक है, अब इसको कहीं पर तो रखेंगे, रखना होगा ना, तो रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, तो इसको हम कहाँ ले जाकर रखेंगे, इसके एंगल प्लेट पर रखेंगे। अब एंगल प्लेट क्या हो जाएगा, इसका सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, सपोर्टिंग टूल्स कहेंगे। ठीक है, तो एंगल प्लेट एक प्रकार का क्या है आपका सपोर्टिंग टूल्स है, ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है, अब रिब्स क्या होता है जानते हैं, रिब्स के मतलब क्या है ये है। अब रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, रिब्स इसलिए दिया जाता है कि जब हम किसी विभिन्न प्रकार से इसको उठा कपटक करते हैं या कहीं रख देते हैं या बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो क्या डिस्ट्रक्शन होता है उसके में, टेढ़ापन होता है कहीं रखने पर या किसी चोट लगने से, लेकिन रिब्स लगा देंगे तो क्या होगा, जो एंगल 90 डिग्री में है ये क्या होगा, इधर से सपोर्ट करा रहे किया रहेगा
आ उधर से भी कोई चीज धक्का आ रहा है तो नहीं इधर आ पाएगा, और इधर से भी कोई चोट लग रहा है तो ये पकड़ कर रखेगा कि आपका, मतलब कहने का मतलब है कि एंगल को क्या करे, बचा कर रखे 90 डिग्री में। इसको बचा कर रखने के लिए क्या किया जाता है, रिब्स को लगाया जाता है, और इसको डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए, मतलब टेढ़ापन ना हो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में, ऑप्शन में क्या दिया है, समतलता को प्रदान करने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, चौकोरोपण प्रदान करने के लिए माने स्क्वायरनेस प्रदान करने के लिए, और डी ऑप्शन दिया है कि मशीन्ड सतह को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि बताया क्या हो जाएगा इसमें, आंसर सही जो होगा आपको प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, आंसर जो सही होगा बी, विकृति को रोकने के लिए, टेढ़ापन को बचाने के लिए क्या है, एंगल प्लेट में रिप्स दिए जाते हैं, ठीक है। रिप्स के मतलब समझ में आ रहा है ना, जो इसको क्या कर रहा है, सब पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, पकड़ के रखा है इसलिए है कि इसमें डिस्ट्रक्शन ना हो, टेढ़ापन ना हो। डिस्ट्रक्शन के मतलब समझ में आता है, जैसे कि कोई चीज़ आप रख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक वुड का कोई पटरा रखे हुए हैं, चाहे लकड़ी रखे हुए हैं, तो पटरा रखते हैं तो किसी कुछ दिनों के बाद वो क्या टेढ़ा हो जाता है या उठ जाता है, तो वही क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्शन कहलाता है, उसी को हिंदी में टेढ़ापन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, इसमें टेढ़ापन ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्स लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस बी ब्लॉक का क्या बताना है, प्रकार पहचानना है, ये कौन से बी ब्लॉक है, ठीक है, ये कौन से बी ब्लॉक है। सबसे पहले जानते हैं इसका प्रयोग, इसका प्रयोग हम लोग किसी भी गोलाकार जब को क्या करने के लिए, रखने के लिए, ये भी एक एक प्रकार का सपोर्टिंग टूल से, कभी भी देखिए बाबू जो भी ब्लॉक मिलेगा जुड़े में मिलेगा, पेयर में रहेगा, कभी भी जब किसी बड़ा गोलाकार जब को हम रखते हैं गोलाकार, तो एक पर तरह के हम कोई चीज़ माप नहीं सकते हैं, इस प्रकार से जब है, तो इसके लिए क्या दो हमको भी ब्लॉक चाहिए, तो कभी भी क्या मिलता है, पेयर में मिलता है, जुड़े में मिलता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी लंबे गोलाकार जब को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तब जो भी इसमें ऑपरेशन करना होता है, ड्रिलिंग करना हो, मार्किंग करना हो, इस पर रख कर क्या कर सकते हैं, अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसका काम क्या है, किसी लंबे बेलनाकार जब को सपोर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब कह रहा है कि इसका पहचानिए कि ये क्या है, ठीक है, ये कौन से मतलब भी ब्लॉक है। तो इसके पहचानने के लिए जैसे पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो रेगुलर पढ़ते होंगे वो देख कर ही बता देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं, जो ऊपर जो ऐसे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें लेवल कितने हैं, देखिए एक लेवल है, दो लेवल हो गया, और ग्रुप कितने हैं, एक है, इसको एक ही ग्रुप समझे, ये नहीं कि इधर भी है इधर ग्रुप है तो दो हम कहेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग क्लैंप लगाते हैं तो क्लैंप तो एक में लगेगा नहीं, दोनों की ओर लगेगा, तो दोनों की ओर जब लगेगा क्लैंप तो क्या करेगा, इसके लिए एक ही ना जो बोला जाएगा, तो ये क्या है, एक क्या है आपका ग्रू है, और डबल क्या है आपके इसमें लेवल है, तो एक लेवल दो लेवल और एक ग्रू, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे सिंगल लेवल सिंगल ग्रू, नहीं, डबल लेवल सिंगल ग्रू, तो सही आंसर सही हो जाएगा बी सी ऑप्शन। इसमें क्या है आपका डबल क्या है आपका लेवल है, और सिंगल क्या है ग्रू है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है बी ब्लॉक के पहचान करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील की कितनी कार्बन के कंटेंट फोर्ज कर सकते हैं, ठीक है, कितने फोर्ज कर सकते, मैंने किस धातु में हम कितने क्या मैंने किसी स्टील में कार्बन की कितना कंटेंट रखें कि क्या हो सके, वो फोर्ज हो सके, ठीक है। तो कितने परसेंट रखेंगे हम लोग, 1.7% रखेंगे, ठीक है, कार्बन की मात्रा उसमें कितना रखेंगे, 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस फ्लूट का उपयोग करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कास्ट आयरन जो है उसके लिए हम लोग किस ड्रिलिंग के लिए कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करने के लिए किस कटिंग फ्लूट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कैसा प्रयोग करेंगे देखते हैं, ड्राई एयर जेट को, सुलिबल तेल को, खनिज तेल को, वनस्पति तेल को, ठीक है, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ड्राई एयर जेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ड्राई एयर जेट का प्रयोग करते हैं। कहने कास्ट आयरन के ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूट का प्रयोग करते हैं, फ्लूट माने क्या है, तेल, जब हम जैसे आप ग्रिल करते हैं तो पानी नहीं डालते हैं, किसी भी जॉब को ड्रिलिंग करते हैं तो पानी देते हैं कि नहीं, तो इसमें हम जब किसी मशीन से ड्रिल से ड्रिलिंग करेंगे तो उसके लिए कौन सा आपका हम फ्लूट देंगे, तो कौन सा एयर जेट देते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, तो आंसर हमारा सी ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ठीक है, ये क्या बताना है, जो निर्देशित किया हुआ है एक्स से उसका नाम बताना है क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं ये कौन सा आपका ड्रिल मशीन है, रेडियल ड्रिल मशीन है। ठीक है, और एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है, स्पिंडल हेड है। क्या है ये, स्पिंडल हेड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये क्या है हमारा, स्पिंडल है, और इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल हेड बोलते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, स्पिंडल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि HSS में, हाई स्टेनलेस स्टील ड्रिल में, जिसका व्यास क्या है आपका 24 mm है, और काटने की गति क्या है, भी है, और काटने की गति क्या है, भी, जिसका क्या है 30 मीटर पर मिनट के लिए माइल्ड स्टील के ड्रिल करने की धुरी गति क्या होगी, मतलब RPM निकालना है। क्या निकालना है, RPM निकालना है। क्या निकालना है, RPM। ठीक है, ये जो हमारा दिया है क्या है, कटिंग स्पीड दिया है। भी क्या है, कटिंग स्पीड। ठीक है, माने काटने की गति दिया है, तो काटने की गति कितना है, 30 मीटर पर मिनट है, और इसका व्यास कितना दिया है, व्यास कितना है आपका 24 mm में है। क्या है, 24 mm में है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इजकल टू भी इंटू 1000/π/d होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जब भी RPM निकालना हो या भी निकालना हो तो भी इधर चल जाएगा, n इधर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमको RPM निकालना है तो क्या करेंगे, भी पहले जानते हैं, भी क्या है, भी क्या है हमारा 30 है, 30 मीटर है, तो क्या रखेंगे यहाँ पर, 30 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है इसमें, 1000 है, तो 1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बटा में क्या है आपका पाई है, तो पाई के माना होता है 22/7, और डी कितना है, 24 है। अब 24 यहाँ लिख लेंगे, अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू क्या हो जाएगा, 1000, और यहाँ 7/7 है तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 22/24 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 500 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको करेंगे 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, 250 हो जाएगा। अब 250 हो जाएगा, अब इसको अब देख रहे हैं कटने वाला एक है, नहीं होगा तो क्या कर लेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं 30 × 250 × 7/11 × 12। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल से करके देखते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, 3 × आपका 250, उसके बाद गुणे 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 52,500। और बाटा में क्या है हमारा, 11 × 12, कितना हो जाएगा, 11 × 12 करेंगे तो 132 हो जाएगा। अब इसे भाग दे देंगे, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 52,500 भागे हो जाएगा 132। तो इसमें आ रहा है आपका ऑप्शन, आंसर जो आ रहा है कट छट के, इसका क्या रहा है, 397.397 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब देखिए इसके आसपास कोई चीज़ आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है या यहीं आ रहा है कि नहीं, देख लेंगे, इतना है। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें आ रहा है कि नहीं, तो इसमें आ रहा है 3 ऑप्शन, हमारा आंसर आया है 397.7 RPM। RPM n है तो आप RPM में लिखेंगे, राउंड पर मिनट। तो ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, 400 दिया है, तो 4 इसके आसपास में है 400 के, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, यानी 400 RPM। ठीक है, लगभग में आया है, तो आंसर आपका क्या है, यही सही होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छेद में रिवेट डालने के बाद, ठीक है, प्लेटों को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जब हम रिवेट डालना होता है तो डालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, ड्रिफ्ट को, डॉली को, रिवेट सेट को। तो क्या आंसर सही हो जाएगा इसका, रिवेट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवेट सेट सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है हमारा, रिवेट सेट है। जब हम रिवेटिंग करते हैं, रिवेटिंग क्या होता है समझते हैं पहले, जब दो प्लेटों को क्या होता है, आपस में जुड़ना होता है, वो भी परमानेंट। जैसे कि क्या है कि रेलवे के व्हील देखे होंगे, उसको क्या किया जाता है, रिवेटिंग क्या होता है, या अपने घरों में हम लोगों के पास बाल्टी होती है, बाल्टी का जो हैंडल होता है स्टील वाली, उसको क्या किया जाता है, रिवेटिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं,
इसका एक भाग कैसा हेड बना रहता है पहले से, ठीक है, एक भाग हेड बना रहता है और दूसरे भाग को क्या करते हैं हम लोग को लंबा इस तरह से रहता है और पीट पीट कर इसके भाग को क्या करते हैं हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो यही क्या प्रोसेस कहलाता है, रिवेटिंग कहलाता है। तो कह रहा है कि इसका प्रयोग माने किसका प्रयोग, दो प्लेटों को निकट लाने के लिए, माने ये जो प्लेट है दोनों को निकट लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रिवेट सेट का। किसका? रिवेट सेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंट स्निप का प्रयोग क्या है। बेंट स्निप का प्रयोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी एग्जामों में बहुत बार पूछ चुका है। बेंट स्निप, स्निप का मतलब क्या है, काटने वाले औजार, ठीक है, शीट मेटल को जिससे हम लोग काटते हैं, तो बेंट स्निप है। तो बेंट स्निप का प्रयोग किस लिए हम करेंगे, तो हम लोग सर्कुलर कटिंग करने के लिए, सर्कुलर कटिंग करने के लिए मतलब गोलाकार, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से बताए हैं ये कोई शीट मेटल है और इसको क्या कर रहे हैं, गोलाकार कोई चीज़ जो आपको क्या करना है, कटिंग करना है। तो इसका प्रयोग किस लिए करेंगे हम लोग, किसका प्रयोग करेंगे, बेंट स्निप का प्रयोग हम क्या कर किसके लिए, सर्कुलर कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर शियर इस भाग का नाम बताना है, ये जो एक्स वाला भाग है उसका क्या बताना है, आपका नाम बताना है, ठीक है, ये कि कौन सा इसका नाम क्या है। चलिए देखते हैं। तो ये जो है क्या है, आपका ब्लेड है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ब्लेड बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। तो यही ना पूछा है आपका, तो देखिए इसमें दिया है लोअर ब्लेड, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। शीट मेटल कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से आप लोग देखे भी होंगे, इसको क्या बोलते हैं, लीवर शियर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस मेटल ऑपरेशन का नाम बताना है, इसका नाम क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन में, इसमें दिया है आपका ग्रूइंग, नोचिंग, बेंडिंग और फोल्डिंग। तो आंसर जो हमारा सही होगा, ये क्या कर रहा है, ग्रूइंग बना रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा, ग्रोइंग इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बताना है, ठीक है, जिसको हम लोग किसी भी आयरन पर क्या करते हैं, जिंक का लेप चढ़ा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं, ठीक है, जिसको जस्ता चढ़ा हुआ लोहा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आंसर जो सही हो जाएगा, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताए तो इसका क्या सही हो जाएगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन हो जाएगा, ठीक है। जस्ता की परत चढ़ा देते हैं लोहे पर तो उसको क्या कहते हैं हम, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछ सके, अभी भी जो बार्क में आपका नवंबर में एग्जाम हुआ था इसमें ये क्या है क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 200 mm की लंबाई और 500 mm की चौड़ाई और 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम सेंटीमीटर क्यू के घनत्व वाले स्टील का प्लेट का वजन गणना करना है। देखिए अब इसका भार निकालना है, ठीक है, तो भार बराबर क्या होता है, भार बराबर क्या होता है आपका, भार बराबर होता है आयतन गुणे क्या होता है आपका, आयतन गुणे घनत्व होता है, ठीक है। तो पहले तो आयतन निकालेंगे, ठीक है, इसमें आयतन नहीं दिया है, तो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, LBH होता है, आयतन को निकालने के लिए LBH माने लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई LBH। तो लंबाई इसमें कितना दिया है, लंबाई कितना दिया है आपका 2000 लिखेंगे और इसकी मोटाई कितना दिया है आपका, चौड़ाई मतलब 500 और इसका हाइट कितना दिया है, 4 दिया है। एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें जो घनत्व दिया है, जिस घनत्व का आपका वैल्यू दिया है सेंटीमीटर क्यू में दिया है, ठीक है, और इसमें जो दिया है mm में दिया है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि एक सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम, इसको सेंटीमीटर करना होगा क्योंकि इसका क्या दिया है आपको, सेंटीमीटर क्यू में घनत्व का मान दिया है, तो सबको 10 से क्या कर लेंगे हम लोग, भाग कर लेंगे, ठीक है, सबसे 10 से भाग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से एक जीरो कट जाएगा, इसमें से एक जीरो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 गुणे 50 गुणे 0.4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, अभी आप लोग कॉपी से करिए, अपने कॉपी किताब रख कर 200 गुणे 50 गुणे 0.4 यानी कितना हो जाएगा आपका, 4000 हो जाएगा।
अब 4000 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या निकला है, आयतन निकला है। ये हमारा जो निकला है क्या है, आयतन। अब क्या निकालना है, उसका भार निकालना है। तो भार बराबर आयतन गुणे क्या होता है, उसका घनत्व हो जाता है। भार निकालेंगे तो आयतन निकल गया हमारा कितना हो गया 4000, और गुणे घनत्व कितना दिया है आपका 7.85 दिया है। अब दोनों को इसमें से गुणा कर लेंगे, इसका क्या निकल जाएगा आपका, आयतन निकल जाएगा। 4000 गुणे कितना हो जाएगा 7.85 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है आपका 31 पॉइंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 31,400 आ रहा है, ठीक है, 31,400 आ रहा है। अब ये हमारा किस चीज़ में निकला है, ये हमारा किस में निकला है, ग्राम में निकला है। किस में निकला है, ग्राम में आया है। लेकिन ऑप्शन में आंसर जो दिया है किस में दिया है, केजी में दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग दे देंगे किस से, 1000 से। अब 1000 से भाग देंगे इसको तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो 31.4 हो जाएगा। कितना, ये केजी में हो जाएगा। अगर ग्राम में ऑप्शन रहता तो ये सही हो जाता, ठीक है। अगर ग्राम में ऑप्शन दिया रहता तो ये हमारा क्या हो जाता, सही आंसर हो जाता। लेकिन देखते हैं क्या इसमें दिया है, केजी में दिया है, ध्यान देना होगा ऑप्शन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 31.4 केजी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से डेंसिटी निकालना होगा तो आपको निकालना है इस तरीके से। तो बहुत अलग अलग धातुओं का डेंसिटी अलग अलग रहता है। अगर क्वेश्चन में अगर डेंसिटी दे दिया तो ठीक है, नहीं तो डेंसिटी को आपको याद भी रखना होता है, ठीक है। तो अगर डेंसिटी आपको दिया है यहाँ पर तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो डेंसिटी आपको याद रखना होता है, ये धातु चैप्टर में आपको पढ़ना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंग और घर्षण के लिए कौन सी धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। प्रतिरोधी के मतलब समझिए, ठीक है, प्रतिरोधी मतलब उसको रोकेगी, ठीक है। घर्षण होने से क्या करेगी, वो रोकेगा और उसमें जंग भी नहीं लगेगा। तो आंसर देखते हैं, कॉपर में, ब्लैक लोहा में और ब्लैक एल्युमिनियम में, जस्ता के लोहा में। तो इसमें आंसर जो होगा क्या होगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में क्या होगा, जंग प्रतिरोधी होता है और घर्षण रोधी भी होता है। तो आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नियमित षष्ठभुज के फ्लेट से फ्लेट तक की साइज की गणना करने का सूत्र क्या है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है √3a होता है, √3a इज राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीट मेटल वर्क्स में स्टेक का क्या उपयोग है, ठीक है। स्टेक एक प्रकार के क्या है आपका, सपोर्टिंग टूल्स है, ठीक है। क्या है, एक प्रकार का सपोर्टिंग टूल्स है। तो इसमें देखते हैं क्या दिया, रेस्ट ऑफ वर्क है, सपोर्टिंग पीस है, शार्पिंग है और फोल्डिंग है। तो आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कैसे सपोर्ट करता है, कोई भी शीट मेटल है उस पर जब हम पीटते हैं तो पीछे से क्या करना होता है, उसको सपोर्ट करना होता है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, कोई भी शीट मेटल पर पीछे से या किसी चोट मारते हैं तो उसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो कौन काम करता है, स्टेक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सपोर्टिंग पीस हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर की सामग्री क्या है, शोल्डर की सामग्री या मटेरियल क्या है, ठीक है। इसमें देखते हैं, वेल्डिंग रॉड है, सिंथेटिक तत्व है, शुद्ध धातु, मिश्र धातु है और नॉन मेटालिक एलिमेंट है। तो राइट आंसर जो होगा बाबू इसका, सी हो जाएगा, ठीक है, प्योर मेटल एंड एलाय है, ठीक है। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टील की सोल्डिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में दिया है एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेजिन और पेस्ट। तो क्या कर रहा है कि स्टील के सोल्डिंग के लिए, स्ट्रिंग के सोल्डिंग के लिए हम लोग किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का हम लोग स्टील के सोल्डिंग के लिए फ्लक्स का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रूवर का उपयोग किस लिए करते हैं, ग्रूवर, ठीक है। वहाँ गलती से लिखा है हिंदी में, इंग्लिश वाला जो वर्ड है सही है, इसको ग्रूवर बोलते हैं, ठीक है। ग्रूवर का उद्देश्य क्या है, तो ग्रूवर का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन में देखते हैं, सीम को रिलीज करने के लिए, ठीक है, और सीम को कंप्रेस करने के लिए, सीम को क्लोज या लॉक करने के लिए, और सीम को ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस की राहत देने के लिए। बाबू देखिए इसका आंसर जो है, सी सही है, ठीक है। क्या है, सी सही आंसर है। क्या हो जाएगा,
आपको सीम को क्लोज और लॉक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ग्रूवर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिवेट का निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले सामग्री का नाम बताना है। रिवेट का हम लोग निर्माण करते हैं किससे करते हैं, माइल्ड स्टील से करते हैं, माइल्ड स्टील से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो रिवेट है उसको एक्स के जो हम चिन्हित कर किए हुए हैं उसका नाम बताना है। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, हेड है, ये क्या है, बॉडी है, और ये क्या है हमारा, टेल है। तो इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम यही ना पूछा है, तो ये क्या है हमारा, बॉडी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 184वां क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है कि पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु को क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको पिकिंग बोलेंगे, स्विंग बोलेंगे, स्विमिंग बोलेंगे, नहीं, डी आंसर सही हो जाएगा आपका, टीनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीनिंग। क्वेश्चन क्या पूछा था, पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु को क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन क्या कहलाता है, उस ऑपरेशन का नाम बताना है जो धातु के साथ क्या करता है, कवर करता है शोल्डिंग करते समय, वो क्या है, टीनिंग होता है ऑपरेशन का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारी संरचनात्मक कार्य के लिए किस रिवेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारी संरचनात्मक वर्क के लिए हम लोग किस रिवेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देते हैं, पेन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर सेंक और कॉनिकल हेड। तो आंसर जो हमारा ए सही होगा। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर ए, पेन हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं किस कार्यों के लिए, तो आपको हेवी स्ट्रक्चर वर्क के लिए। ठीक है, हेवी स्ट्रक्चर वर्क के लिए हम लोग पेन हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। रिवेट तो बता ही दिए हैं क्या है। ठीक है, जब दो प्लेटों को आपस में जोड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट ज्वाइन करते हैं, वो क्या होता है, रिवेट के माध्यम से करते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, रिवेट के माध्यम से करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो ज्वाइंट होती है वो क्या, रिवेट होता है। तो वही कह रहा है कि हेवी स्ट्रक्चर वर्क के लिए हम लोग किस हेड का प्रयोग करते हैं। तो जो हेड बना रहेगा कैसा बना रहेगा, पेन हेड रिवेट कहलाएगा। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल्स का नाम बताना है। ठीक है, स्नैप हेड ठीक है, रिवेट के सपोर्ट करने वाला टूल्स का नाम बताना है। पहला डॉली दिया है, बी दिया है ड्रिफ्ट, और सी दिया है आपका रिवेट सेट, और डी दिया है आपका रिवेट स्नैप। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए, आप लोग कमेंट भी करिए, कमेंट कर ही नहीं रहे हैं, जो जिसको मालूम है अगर इस चीज़ को तो आपको कमेंट करके बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर कमेंट करके आप लोग बताइए, राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत सारे लोग ऐसा ही रह रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। डॉली जो होता है क्या करता है, देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, स्नैप हेड का सपोर्ट, स्नैप हेड जो है इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए इसके हेड को क्या कर रहा है, डॉली लगाया गया है कि नहीं। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डॉली आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिखाए गए रिवेटिंग का दोष का नाम बताना है। इसमें कौन सा दोष है, ठीक है, इसमें दोष कौन सा है। देखिए यहाँ पर सेंटर है और देख रहे हेड इधर ज़्यादा निकल गया है, इधर का हेड इधर ज़्यादा निकल गया है। इसमें दोष देखते हैं, प्लेटों के अनुचित जुड़ा हुआ है, प्लेटों के बीच बर आ गया है, रिवेट का सिरा केंद्र से केंद्रित नहीं है, और रिवेट का शरीर प्लेट के लंबोतर नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा सी सही होगा, इसका रिवेट जो सिरा है सिंक से क्या है, केंद्रित नहीं है। ठीक है, केंद्रित नहीं है, देख रहे हैं इसका हेड इधर ज़्यादा हो गया है, आप लोग भी देख सकते हैं, देखने से ही मालूम चला है। तो सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीट मेटल पर किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास या चाप या सर्कल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी भी जॉब पर बड़े व्यास बनाना होता है या बड़े चाप खींचना होता है तो हम ट्रेमर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, ट्रेमर का। ये देखिए ट्रेमर है, ठीक है, इसी का प्रयोग करते हैं, बड़े वृत्त या बड़े चाप बनाना होता है किसी जॉब पर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शियरिंग करते समय सीट धातु के नीचे तथा बर क्यों आ जाता है। ठीक है, बर क्यों आ जाता है, तो
कह रहा है क्लियरेंस न होने के कारण, हार्डनेट धातु होने के कारण, बल्क वृद्धि होने के कारण, अत्यधिक क्लियरेंस होने के कारण। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक क्या होने के कारण, क्लियरेंस होने के कारण। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ठीक है, ये क्या है हमारा लीवर शियर है। लीवर शियर से किसी भी क्या है शीट मेटल को क्या करते हैं हम लोग, कटिंग करते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ऑप्शन में क्या दिया, बॉडी दिया है, क्लैंप दिया है, अपर ब्लेड दिया है, लोअर ब्लेड दिया है। तो ये क्या है हमारा क्लैंप है। क्या है, क्लैंप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीट मेटल कार्यों के ग्रूअर का उपयोग क्या है, ग्रूअर का प्रयोग क्या है, अभी आया था ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, देखते हैं क्या है, सीम को क्लोज करने के लिए। तो सीम को क्लोज करने के लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, अभी भी आया था। सीम को क्लोज या लॉक करने के लिए हम लोग इसका ग्रूअर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हल्की असेंबली कार में कौन से आपका रिवेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी रिवेट समझ में आया होगा। तो हल्का कार के लिए देखते हैं, हैवी स्ट्रक्चर के लिए देख लिए, अब क्या है हल्की के लिए हम लोग कौन सा करेंगे आपका, कोनिकल हेड रिवेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और भारी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग पेन हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हल्का कार्यों के लिए हम कोनिकल हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिवेट हेड के दूसरे छोर बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डॉली का, ड्रिफ्ट का, रिवेट का, रिवेट स्नैप का। तो रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। एक ओर क्या है आपका, जैसे कि रिवेट हेड बना है, दूसरे ओर क्या करना है आपको, रिवेट बनाना होगा, हेड बनाना होगा उसको। तो किसका प्रयोग है, रिवेट स्नैप का प्रयोग करेंगे। और पहले हेड जो बना रहता है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम डॉली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक पहले तो एक हेड की ओर बना रहेगा, पहले आपका कैसा रहेगा, रिवेट ऐसा ही ना रहेगा, ऐसे रहेगा। तो उधर तो आपका रिवेटिंग किया नहीं है। जब किसी मेटल को इस तरह से रखेंगे, दो मेटल को एक साथ, और कसने के बाद क्या करना होता है, इसको पीट पीट कर क्या है, बॉल पिन हैमर के माध्यम से इसको भी रिवेटिंग करना होता है। तो इसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग डॉली का प्रयोग करते हैं। और दूसरे छोर की ओर ठीक है हेड को बनाना होता है, तो हम रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस शीट मेटल वर्क्स में इस नोच का नाम बताना है। ये कैसा नोच है, तो देखने से ही मालूम चल रहा है कैसा नोच है। ठीक है, कैसा नोच है हमारा, स्क्वायर नोच है। कैसा है, स्क्वायर नोच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पैनल बीटिंग के होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैलेट क्या होता है, लकड़ी या जो सॉफ्ट मेटल पर हैमरिंग करना होता है उसका प्रयोग करते हैं, उसको मैलेट कहते हैं। तो कह रहा है कि पैनल बीटिंग के होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन से का किसका प्रयोग करते हैं, इसमें ऑप्शन में देखते हैं, ब्रास मेटल, रबर मेटल, लकड़ी का मेटल और आपका ब्राजिंग मेटल। तो ऑप्शन जो होगा इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन में आप लोग बताइए, कमेंट में क्या करना है आपको, कमेंट में बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस रिवेटिंग दोष का नाम बताना है। देखिए यहाँ पर रिवेटिंग किया हुआ है तो दोष हुआ है उसमें, जैसे कि आप लोग देखने से मिल रहा है कि ये जो हमारा जो दूसरा मेटल है इसका जो पूरा भाग है क्या है, इसमें आपके इसके बॉडी से क्या है टच नहीं किया है, इधर भी टच नहीं किया है। तो दोस्त ऐसा ही दिख रहा है, ऑप्शन सब देख रहे हैं, प्लेटों के बीच की बर आ जाना, रिवेट हेड के सेंटर से में नहीं होना, बहुत ज़्यादा क्या है अलाउंस कर देना, और प्लेटों का क्या होल एक सीध में नहीं होना। तो राइट आंसर सीधा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका प्लेट का होल जो सीध में नहीं है, देख रहे हैं होल जो इधर एक हेड है इधर है, और दोनों का क्या हो रहा है, प्लेट आपका इधर भाग गया है। तो क्या है, प्लेटों का होल एक सीध में नहीं होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पक्ष के साथ एक सर्कल को चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक पक्ष के साथ सर्कल चाप बनाने के लिए, ठीक है, एक पक्ष के सर्कल चाप बनाना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, देखते हैं ऑप्शन में, फनल स्टेक, हैचेट स्टॉक, हाफ मून स्टेक और बिक या बिक आयरन। तो इसका देखिए क्या कह रहा है कि एक पक्ष के साथ एक सर्कल चाप, ठीक है,
बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करेंगे, तो ये हाफ मून स्टेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हाफ मून स्टेक का है। ये सब क्या है, स्टेक क्या है, आपका सपोर्ट करने वाला आपका टूल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीट मेटल वर्क के लिए सहायक टूल का नाम बताना है, इस सहायक टूल का नाम बताना है, ठीक है। तो फिगर से देखने से मालूम चल जा रहा है कैसा है, आपको राउंड बॉटम स्टेक है, राउंड बॉटम स्टेक है, ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम बताना है, इस ज्वाइंट का नाम बताना है, ठीक है। तो कौन सा ज्वाइंट है देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है ग्रू ज्वाइंट, पेन डाउन ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट और डबल ग्रू ज्वाइंट। तो देख रहे हैं डबल डबल आपका ग्रू ज्वाइंट किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सी डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है कि स्नीप की अधिकतम कटिंग क्षमता कितनी होती है, जब सीट मेटल से हम कटिंग करते हैं तो कितने मोटाई तक उस मेटल को काट सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 1.2 दिया है, 1.2 mm क्या है उसकी मोटाई, थिकनेस, 2 mm दिया है, 2.5 दिया है और 3 दिया है। तो स्निप जो होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1.2 mm तक क्या कहते हैं मोटाई वाले मेटल को, सीट मेटल को काट सकता है। तो आज हम इस वीडियो में 200 क्वेश्चनों तक क्या करें पहुँच गए हैं डिस्कशन करते करते। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।